सिंगोली के बांडा के अथवा कला क्षेत्र में आदिवासी युवक को वाहन के पीछे बांधकर घसीटकर हत्या करने के विरोध में रविवार को विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। जिले के चिंगारा स्थित नई कृषि उपज मंडी में भील प्रदेश मोर्चा, भीम आर्मी एवं समस्त एससी एसटी संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता हजारों की संख्या में एकत्रित हुए। उन्होंने नारेबाजी कर सभा का आयोजन किया। संगठनों के पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि सिंगोली के ग्राम बाणदा के आदिवासी युवक कान्हा उर्फ कन्हैयालाल भील को आरोपी द्वारा पिकअप वाहन से बांधकर घसीटकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को चिंगारा स्थित नई कृषि उपज मंडी में भील प्रदेश मोर्चा, भीम आर्मी एवं समस्त एससी एसटी संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मृतक के शवजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। चलिए आपको बताते हैं कि क्या था मामला। 26 अगस्त को अथवाकला फांटे पर आरोपी चित्रमल गुज्जर ने जानबूझकर कान्हा उर्फ कन्हैयालाल भील को मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी। इसके बाद मौके पर अपने साथियों को बुलाया और कान्हा पर चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट कर पिकअप वाहन के पीछे बांधकर घसीटा। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपियों द्वारा घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर भी पोस्ट किया गया। इसके बाद पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ 304, 302 व एस्ट्रोसिटी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया। साथ ही 8 आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। जब तक कन्हैयालाल भील के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं होगी, तब तक आदिवासी सड़क पर उतरकर शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करता रहेगा। यह बात आदिवासी नेता एवं मनवार के विधायक एवं आदिवासी समाज के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने कही। वे बांडा में कन्हैयालाल भील की हत्या के विरोध में हजारों की संख्या में आदिवासी लोगों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की शिवराज सरकार आदिवासी की कीमत चंद रुपयों से नहीं आंक सकती। कान्हा की मौत के दोषियों का प्रकरण फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर जल्द दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। गुजरात के आदिवासी नेता नरेंद्र परमार ने भी स्थानीय पुलिस प्रशासन पर हमला बोला। विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी ने मृतक के शवजनों की सुरक्षा की भी मांग की। इस मौके पर जावद एसडीएम राजेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह दांगी, रतनगढ़ थाना प्रभारी आनंद सिंह आजाद, एसआई शिशुपाल सिंह गौड़, सिंगोली थाना प्रभारी रमेश चंद्र दांगी, एसआई शिवराज सिंह खींची सहित पुलिस अमला मौजूद था। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से भी भारी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग नीमच पहुंचे और कन्हैयालाल की हत्या का जमकर विरोध किया एवं हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। सबसे हटकर सबसे अलग सत्य के साथ राजस्थान की आवाज़। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए राजस्थान की आवाज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।